फ्लाइट में बैठे आ गए, उनसे पूछो, उनके दिल का हाल पूछो जो सरहद से पार है। जब बात होती है तो तड़पते हैं वो, जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है। सब कुछ है उनके पास में, सारे असबाब हैं, लेकिन पॉलिटिकल मुद्दे कुछ ऐसे हैं कि वो नहीं आ सकते, तो वो तड़पते हैं। तो ये एहसान अजीम है ज़ात पाक का, गरीब नवाज का, ऐसा सिलसिला मिला आप लोगों को। और हुजूर सरकार गरीब नवाज की बारगाह में यहाँ से जो मिशन चल रहा है, मिशन है अहले बैत अलैहिस्सलाम, उस मिशन में जो आप लोग जुड़े हुए हैं और जो काम कर रहे हैं, ये एहसान अजीम है ज़ात पाक का कि किसी के करने से नहीं होता है। ये जिससे खिदमत लेना चाहें उससे खिदमत लेते हैं। तो आप लोग जो खिदमत कर रहे हैं, ये गरीब नवाज खिदमत ले रहे हैं और गरीब नवाज की निगाहें सब देख रही हैं। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, काफ़ी लोग ये भी सोचते होंगे कि भाई कुछ भी अगर खिदमत करते हैं तो उसका वीडियो बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि आज अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने का, जब माइक नहीं थे, मिंबर हुआ करते थे, जब रसूल अल्लाह को कुछ हुक्म देना होता था, मिंबर उसे ऐलान होता था, फिर माइक आए, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आई, आज सोशल मीडिया है। तो सबसे आसान तरीका अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने का आज सोशल मीडिया है। और हमारे रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी अहले बैत ने अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ बोल के नहीं बताया, जो भी बताया वो प्रैक्टिकल करके बताया। तो हम अगर हमारा कोई वीडियो आता है, कुछ आता है, तो जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, जब तक हम किसी को ये नहीं कह सकते हैं कि तुम करो। बेशक देने वाली जात अल्लाह की है, सब कुछ अल्लाह देता है, मदद भी अल्लाह करता है। कहते हैं ना, अल्लाह से मदद मांगो, अल्लाह से ही मदद मांगते हैं। लेकिन अल्लाह तो ये कह रहा है कि ना मैं हाथ रखता हूं ना पैर रखता हूं, अल्लाह तो एक नूर है, तो अल्लाह मदद कैसे करता है? किसी जरिए से, किसी के जरिए से। तो ये दुआ करो, ये कोशिश करो, मिशन अहले बैत का जो मकसद है, ये फिक्र पैदा करो, ये कोशिश करो कि तुम वो जरिया बन सको जिससे अल्लाह मदद करे सबको, तुम वो जरिया बन सको। तो ये हुजूर सरकार गरीब नवाज की बारगाह से जो मिशन चल रहा है, ये सिर्फ एक मिशन नहीं है, मिशन अहले बैत अलैहिस्सलाम एक मिशन नहीं है, ये हमारा मकसद हयात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसीलिए दुनिया में भेजा है कि खिदमत खल्क करो, जिसकी जैसे मदद कर सको। जरूरी नहीं है कि आप बहुत कुछ करो, अगर आपकी जुबान से भी किसी का भला हो रहा है ना कुछ बोलने से, करो, कोशिश ये करो कि अल्लाह जब किसी की मदद करता है तो हम वो जरिया किस तरह से बन सकते हैं, कोशिश ये करो। तो ये गरीब नवाज की बारगाह से पैगाम है, ये है मिशन अहले बैत। मौला सबको सलामत रखे, और जो खिदमत अंजाम दे रहा है तमाम लोग, गरीब नवाज सबकी खिदमतों को कबूल फरमाए। और अभी सर्दी है, बहुत ठंड है, तो अपने आसपास भी ख्याल रखें कि कौन से ऐसे लोग हैं कि हम तो घर में ओढ़ के सो रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास ओढ़ने की तो बहुत दूर की बात है, ठंडी जमीन पे बिछाने के लिए कुछ नहीं, उनकी मदद करो। तो अभी कब तक का खाने, एक मिसाल रखी, एक नहीं काफी मिसालें, लेकिन एक मिसाल मैं देता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा नबी, मूसा कलीमुल्लाह, आप कोहे तूर के पहाड़ पे अल्लाह से हम कलाम हुआ करते थे, बात किया करते थे। आपके पास में एक औरत आई बड़ी परेशान, आपसे आके कहती है कि मूसा, मैंने सुना है कि आप अल्लाह से बात करते हैं, अल्लाह से गुफ्तगू करते हैं, मेरे नसीब में औलाद है या नहीं ये मुझे अल्लाह से पूछ के बता दे, क्योंकि मैंने सब कुछ किया, अब मेरे खानदान वाले, मेरे ससुराल वाले मुझे ताने देते हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुआएं मांगती हूँ, तो मुझे ये अल्लाह से पूछ के बताओ कि मेरे नसीब में औलाद है भी या नहीं, अगर है तो मैं उम्मीद रखूँ, और नहीं तो मुझे मालूम चल जाए।
मूसा नबी कोहे तूर के पहाड़ पे गए, अल्लाह से हम कलाम हुए, पूछा कि फला फला एक औरत है, उसके नसीब में इलाहुल आलमीन पूरी औलाद लिखी है या नहीं लिखी। अल्लाह फरमाता है कि हमने उसके नसीब में औलाद नहीं लिखी। आप कोहे तूर के पहाड़ से नीचे आए, आपने उस औरत को बताया कि तेरे नसीब में अल्लाह ने औलाद नहीं लिखी। बड़ी मायूस हो गई, मायूस होकर जाने लगी। रास्ते में एक फकीर बैठा था, इबादत में मशगूल था। जैसे ही उसने उस फकीर ने उस औरत को देखा, कहा बेटा क्या बात है, इतनी परेशान क्यों है? कहा कि बाबा मेरे नसीब में औलाद नहीं। फकीर मुस्कुराया और कहा परेशान क्यों होती है, जा तुझे एक की जगह दो बेटे दिए। अभी तो अल्लाह ने मना किया है, जो खालिक है मालिक है उसने मना किया है कि औलाद नहीं लिखी है। फकीर कह रहा है तुझे एक की जगह दो बेटे दिए। बहरहाल उसकी औलाद हो गई। कुछ अरसे बाद मूसा अलैहिस्सलाम एक कस्बे से गुजर रहे थे, तो उसी औरत के सामने मूसा अलैहिस्सलाम सामना हो गया। तो उस औरत ने तमाम लोगों के सामने मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल कर लिया, ताना मारा कि मूसा तुमने तो कहा था कि नसीब में अल्लाह ने औलाद नहीं लिखी, ये देख मेरे दो बच्चे मेरे साथ बैठे। मूसा अलैहिस्सलाम वापस कोहे तूर के पहाड़ पे, क्योंकि नबी मासूम होता है, वापस कोहे तूर के पहाड़ पे गए और आप अल्लाह से कुछ सवाल करते कि उससे पहले ही अल्लाह ने हुक्म दे दिया। अल्लाह ने कहा मूसा मुझे इंसान का गोश्त चाहिए, और अल्लाह का नबी जो होता है ना, जब तक अल्लाह का हुक्म पूरा ना करता, जब तक कोई सवाल नहीं करता अल्लाह की बात, अल्लाह ने कहा इंसान का गोश्त चाहिए। आप मूसा नबी हैं तो बशरी हालत में ना, इंसानी शक्ल में है ना, आप आए और आप आके सबसे कहने लगे हाथ में छुरी प्लेट कि अल्लाह को इंसान का गोश्त चाहिए, अल्लाह को इंसान का गोश्त चाहिए। सबने सुना और कहा कि भाई अल्लाह को इंसान के गोश्त की क्या जरूरत, नाउज़ु बिल्लाह खाकन बदन। कितने लोगों ने ये भी सोचा कि पता नहीं मूसा का जहन ठीक है भी या नहीं, अल्लाह को इंसान के गोश्त की क्या जरूरत। बहरहाल अपना गोश्त किसी ने नहीं दिया। आप वहीं से गुजर रहे थे तो वही फकीर मूसा अलैहिस्सलाम कहा कि मूसा आप तो अल्लाह के नबी हैं, ये आज माजरा क्या है आपके हाथ में छुरी? कहा कि अल्लाह को इंसान का गोश्त चाहिए। कहा कौन से हिस्से का चाहिए? फकीर फिर अपने हाथ में छुरी ली और अपने हर हिस्से का गोश्त काट लिया। कहा पता नहीं अल्लाह को किस हिस्से का गोश्त चाहिए। अब जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए तो अल्लाह फरमाता है कि मूसा बेशक मैंने उस औरत के नसीब में औलाद उस वक्त नहीं लिखी, लेकिन ये जो मेरा नेक बंदा है जिसने अपनी जात को मेरी जात पे कुर्बान कर दिया, जब इसकी जबान से वो जुमले निकल गए तो मुझे उसी वक्त उसके नसीब में औलाद लिखनी पड़े। ये एक फकीर का मकाम है, ये तो आले नबी औलादे अली है, ये नायब नबी अताए रसूल है। तो यहाँ से वो मिलता है जो नसीब में नहीं। ये बहुत बड़े करम की बात है कि हुजूर सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीब नवाज को हिंद भेजा। ये बहुत बड़ा एहसान अजीम है हिंद वालों, अल्लाह के अदल के खिलाफ है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको अपना हबीब करार दे दे, जिसको अपना दोस्त करार दे दे, जिसको अपना महबूब करार दे दे, उसकी बारगाह से कभी खाली हाथ नहीं आता। अभी गरीब नवाज के ओर से अगले महीने रजब अल मुरज्जब में जितनी भी बारगाहें हैं, जितनी भी दरगाहें हैं, वहां पर जब उर्स होता है जिस दिन, उस दिन एक दिन गुसल होता है, ये सब जगह का निजाम है। लेकिन वाहिद गरीब नवाज का दरबार एक ऐसी बारगाह है कि जहां पर 6 दिन गुसल होते हैं, चांद रात से लेके छठी शब तक 6 गुसल दिए जाते हैं। तो उसकी एक मसलहत है, हुजूर सरकार गरीब नवाज का जो आस्ताना है वो आपका हुजरा हुआ करता है। आज से 850 साल तक जब जाहिरा तौर पे आप इस दुनिया फानी में तशरीफ फरमाए, तो आप गरीब नवाज का जो आखिरी वक्त गुजरा है बशरी हालत में, क्योंकि जितने भी
वली औलिया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबको बशरी हालत में भेजा और जो आया है उसको जाना है, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। तो गरीब नवाज अपने आखिरी वक्त में एतिकाफ में रहा करते थे, और जिस तरह से हमारा रोज़ा होता है ना आपका और हमारा, सुबह सहरी करते हैं शाम को इफ्तार कर लेते हैं, गरीब नवाज का रोज़ा एक हफ्ते का हुआ करता था। हफ्ते में एक मरतबा आप जौ का दलिया नौश फरमाते थे, और हफ्ते में एक मरतबा आप आस्ताना खुलता था आपका और आवाम से गुफ्तगू होती थी आपके आखिरी वक्त में। अब जब वो वक्त आया कि हुजूर सरकार गरीब नवाज ने अपने माली के हकीकी के बुलावे पर लबैक कहा और नूर अपने नूर से जा मिला, तो 6 दिन तक तो आस्ताना बंद था। किसकी मजाल, गरीब नवाज की बारगाह में गरीब नवाज का हुजरा बगैर मर्जी के खोल दे। लेकिन जब वो वक्त आया कि आस्ताना खुलना था और नहीं खुला, तो हमारे दादा हजरत ख्वाजा सैयद फखरुद्दीन गर्देजी रहमतुल्लाह अलैह जो गरीब नवाज के साथ यहाँ तशरीफ लाए थे, जिनका रोजा गरीब नवाज के आस्ताने में ही है, आपको हुक्म हुआ कि आस्ताना खोलो। जब दादा हजरत ने, हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन गर्देजी रहमतुल्लाह अलैह ने जब आस्ताना खोला, हुजरा खोला, तो आप क्या देखते हैं कि गरीब नवाज के जिस्म मुबारक पे पहले से ही गुसल दिया। जब आप नजदीक गए तो आपकी पेशानी पे सुनहरी हरफों से कुछ लिखा हुआ था, कुछ चमक रहा था। जब आप नजदीक गए तो आपने पढ़ा कि अल्लाह की जानिब से, अल्लाह की तरफ से गरीब नवाज की पेशानी पे लिख दिया गया था, खंदा कर दिया गया था, हाजा हबीब अल्लाह मा तफीहुल्लाह, ऐ अल्लाह के सच्चे दोस्त, अल्लाह के हबीब, अल्लाह की राह में फना हो। तो जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना हबीब करार दे दे, उसकी बारगाह से खाली हाथ कभी नहीं लौटाता। देने वाली जात बेशक अल्लाह की है, हाथ मोइनुद्दीन के, खजाना उसका है, हाथ इनके, जिसको चाहे जो चाहे वो अता कर दे। जो नसीब में है वो तो घर बैठे मिल नहीं है, उसको मांगने की जरूरत नहीं है। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी को इस दुनिया में भेजता है, जब कोई बच्चा पैदा होता है, तो उसकी पहली सांस से लेके उसकी आखिरी सांस तक का रिजक अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके नसीब में लिख देता है। क्या होना है उसके नसीब में, क्या नहीं होना है, सब लिख देता है। तो जो नसीब में है वो तो आप 100 तालों में बंद हो जाओ तब भी मिलना है, उसको मांगने की क्या जरूरत है। रसूल व आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आले वसल्लम, अहले बैत अलैहि सलातो व सलाम की बारगाह में आके वो मांगो जो नसीब में ना हो, यहाँ से वो मिलता है। ऐ सलामी मांग ले शब्बीर से, जो तुझे मिलता ना हो तकदीर। गरीब नवाज के कदमों में इसीलिए एक शेर लिखा हुआ है, और वो शेर किसी ऐसे वैसे शायर ने लिखा है, खुद एक वक्त के वली हजरत शाह नियाज बिन नियाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, हर के आमद बर दरफ खाली नरफ्त, गर्चे खाली बूद अज रोजे अलफ। हर के आमद यहाँ पर हर आने वाला, जिसकी आमद है, जो आ गया है, जो आने वाला है, बर दरत इस दर से खाली नरफ्त, कभी खाली हाथ नहीं जाता। गर्चे खाली बूद अज रोजे अलफ, अगरचे कोई अल्लाह की तरफ से खाली है, किसी के नसीब में अल्लाह ने कुछ नहीं लिखा है, तो वो इनकी दामन अमा में आके मांग, अल्लाह ताला वो खाली दामन भी भर देता है। अब लोग इस शेर के ऊपर सवाल भी उठा सकते हैं, कुछ कम गर्फ लोग जो किताब इल्म हासिल कर लेते हैं, जो मौला वाले नहीं है, जो मौलवी वाले हैं, ये भी बहुत अच्छा अल्फाज है, मौलवी तो बहुत अच्छा अल्फाज है, लेकिन एक जाहिरा तौर पे जो लोगों ने माहौल बना रखा है, फितना पैदा कर रखा है, रोज सुबह उठ के फतवे दे देते, तो इस शेर के ऊपर भी सवाल हो सकता है कि भाई जो अल्लाह की तरफ से खाली है वो यहां पर आके कैसे मिल जाएगा, उसकी भी अल्लाह